बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम देखने और सुनने वाले ठीक ठाक होंगे। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी, तो मैं इस वक्त सफ़र कर रहा हूँ रियाज की तरफ, और रियाज जो है वो यहाँ से कुछ किलोमीटर्स की मुसाफत पर है। खाली साहब जो हैं वो पहले की निस्बत कुछ बेहतर हैं, लेकिन चूंकि उनकी कुछ हड्डियाँ जो हैं, यानी कि सिंपली अगर मैं कहूँ उनकी जो कुछ पसलियाँ हैं वो जो हैं वो क्रैक हुई हैं, और उनको रिकवर होने में जो है वो कुछ वक्त लगेगा। वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अच्छा, अब मैं सफ़र क्यों कर रहा हूँ, आपको पता है कि अलखर्ज में मैं रज़ाक भाई के पास रुका था, और अब अलखर्ज में जो है मंगल वाले दिन ये एक्सीडेंट हुआ था, तो बुध वाले दिन खाली साहब के छोटे भाई पाकिस्तान से यहाँ पर पहुँच चुके थे। एक तो हॉस्पिटल के अंदर आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि एक शख्स से ज़्यादा जो है वो बंदा नहीं रह सकता, इवन कि अगर आपने मिलने भी जाना हो तो बहुत मुश्किल होती है। दिन में 2 घंटे उनकी टाइमिंग होती है जिसमें आप जाके मिल सकते हैं, और वो पहले दिन से ज़िशान भाई जो हैं वो खाली साहब के साथ हैं। एक तो ये है कि वो शुरू से ही तकरीबन वो काफ़ी सालों से आपस में दोस्त हैं, और ज़िशान भाई जो हैं वो खाली साहब को मतलब के जानते हैं और उनके काम वगैरह भी जानते हैं कि किस तरह से करने हैं। तो बाकी चूंकि साकी भाई भी यहाँ पे पहुँच चुके हुए हैं यहाँ पे, अब हमने फिर ये सोचा, हमने हॉस्पिटल के करीब जो है वो कल कमरा देखने की कोशिश की, और खाली साहब के छोटे भाई जो हैं वो कमरा देखते रहे हैं ताकि हॉस्पिटल के करीब कोई कमरा मिल जाए। तो एक तो ये है कि हम रज़ाक भाई पर बोझ ना बने, और दूसरा ये है कि फिर हॉस्पिटल का जो डिस्टेंस है वो वॉकिंग डिस्टेंस पर आ जाएगा, तो हमारे लिए हॉस्पिटल आना और जाना जो है वो आसान हो जाएगा। रज़ाक भाई जहाँ पे रहते हैं वहाँ से हॉस्पिटल जो है वो 5.2 किलोमीटर है, तो ये है कि चलें अगर वहाँ हॉस्पिटल के करीब अगर कोई कमरा मिल जाता तो हमें बहुत आसानी हो जाती, लेकिन कल काफ़ी देर ढूंढने के बाद वहाँ पर कमरा नहीं मिला। तो फिर हमने यही डिसाइड किया कि रज़ाक भाई के पास रहते हैं, लेकिन ये मैंने ये उन्हें कहा कि फिर ऐसा करते हैं कि एक बंदा जो है वो यानी कि रज़ाक भाई के पास रह लेता है, और मैं जो है वो यहाँ से सफ़र करके रियाज चला जाता हूँ। चूँकि यहाँ पे एक बात वही है कि खाली साहब के पास तो ज़िशान भाई ने रहना है, और मैं जब से यहाँ यानी कि मंगल वाले दिन से हॉस्पिटल में खाली साहब एडमिट हैं, तो मंगल वाले दिन भी गया, बुध वाले दिन भी गया, जुमे रात वाले दिन भी कल भी गया, और आज जुमा है, तो आज भी मैं हॉस्पिटल से होके आ रहा हूँ। लेकिन मैंने कहा कि चलें मैं जो है वो फ़ोन पर रबते में रहूँगा और खाली साहब की खैरियत जो है वो मालूम करता रहूँगा। यकीन करें रज़ाक भाई को कोई मसला नहीं था, उनके पास जो है चाहे 2 बंदे रहें 3 बंदे रहें वो नहायत नफीस इंसान हैं, नहायत खुले दिल के मालिक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने और हमने ये मुनासिब नहीं समझा कि उनके पास जो है ज़्यादा लोग ज़्यादा दिन रहें, तो मैंने इसलिए यहाँ से सफ़र शुरू कर दिया है। और मैं इंशाल्लाह आज जो है रियाज पहुँच जाऊँगा, और वहाँ जाकर जो है वो खाली साहब और ज़िशान भाई का इंतज़ार करूँगा। खाली साहब को 2-3 दिन के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, तो डिस्चार्ज जब करेंगे तो उस वक्त डॉक्टर से पूछेंगे कि खाली साहब जो है वो किस तरह का ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि गाड़ी पे कर सकते हैं, बाय एयर कर सकते हैं, पैदल कर सकते हैं, या जिस तरह का भी। तो वो फिर जो डॉक्टर्स कहेंगे उसके मुताबिक जो है फिर वो हम अगला लाया अमल बनाएंगे कि आगे वाला जो सफ़र है वो किस तरह से करना है। तो इंशाल्लाह जी हम मेरा सफ़र जो है वो रियाज की तरफ जारी है, और रोज़ा भी है, धूप भी निकली हुई है, गर्मी भी है, लेकिन हवा भी चल रही है, लेकिन सफ़र जारी रहेगा। जी, ये है मेरे साथ अब्दुल रज़ाक भाई, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि जिस दिन खाली साहब को कंटेनर ने हिट किया था, तो ये वहाँ से पहले थोड़ा आगे गुजर गए थे,
उसके बाद ये वापस आए देखने के लिए कि यहाँ पे क्या हुआ। उसके बाद ये वहां पे रुके रहे और एंड पे सिर्फ अब्दुल रजाक भाई और मैं रह गया था। उसके बाद इन्होंने ट्रॉली जो है वो अपनी कार में रखी और मुझे साथ लेकर आए, और उस दिन से लेकर आज तक इन्होंने ये महसूस नहीं होने दिया कि हम जैसे अपने घर से बाहर हैं। यकीन करें, मैं इनके बारे में यही कहना चाहूँगा कि ये हीरा हैं, नहायत सादा बंदे हैं, लेकिन इतना खुला दिल है इनका कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास कहने के लिए अल्फाज नहीं हैं। जब भी कोई भी इंसान हमें मिलता है हमारे लिए, चाहे हमें हंस के बुलाए, हमें रात स्टे करवाए या कुछ भी करवाए, तो हमारे पास उसके लिए सिर्फ दुआएं होती हैं। अब्दुल रजाक भाई का तल्लुक जो है गुजरात से है, इनके लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह पाक इनकी तमाम नेक ख्वाहिशात पूरी करें, इनको बहुत तरक्की दें, इनको कभी कोई दुख ना आए, ये हमेशा खुश रहें, सलामत रहें। बहुत सारी दुआएं हैं मेरी इनके लिए, यकीन करें। और अब्दुल रजाक भाई, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखें। वैसे तो आप खुद भी पाकिस्तानी हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अंदर कभी उपाड़ा साहिबाल लाहौर में कभी कुछ आपको काम हो, आप खाक सार को लाजमी याद कीजिएगा। मुझे आपसे मिलके यकीन करें बहुत अच्छा लगा है, और मुझे बुरा भी लग रहा है कि मैं जो है वो अब आपसे इजाज़त ले रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर कभी जो है वो आपसे लाजमी मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र जारी है, और धूप आप लोग देख सकते हैं, गर्मी है, हवा चल रही है, और इस गर्मी में रोज़ा रख के सफ़र करना मुश्किल काम तो नहीं, इंतहाई मुश्किल काम है, लेकिन ये है कि हिम्मत के आगे कुछ भी नहीं है, तो हिम्मत अगर आप लोग करें तो हर चीज़ हो जाती है जी। तो कोई मसला नहीं जी, आज वैसे भी जुमा है, और मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मीन पर रोज़ा जो है वो वैसे भी छोड़ना नहीं चाहता, तो इसलिए रोज़ा रख के ही मैं सफ़र कर रहा हूँ। और ये सामने ब्रिज आप देख रहे हैं, यहाँ पे सऊदी अरेबिया के अंदर फिल वक्त हो सकता है कि ओवरऑल ही ऐसे हो, लेकिन यहाँ पे ऐसे है कि मतलब अगर आपने यू टर्न लेना है ना, तो जैसे पाकिस्तान के अंदर यू टर्न होता है कि आप बिल्कुल ऐसे यू टर्न ले लेंगे, वो हिसाब नहीं है कि आप दाएँ साइड पर देख रहे हैं रोड, ये रोड आपने ऐसे अगर यू टर्न लेना है तो आप यहाँ से एग्जिट लेंगे, इस दाएं साइड वाले रोड पे चढ़ेंगे, और पुल के ऊपर से होते हुए ये जो रोड नीचे उतर रहा है, आप इस रोड पे वापस नीचे उतर आएंगे, तो ये आपका यू टर्न हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र जारी है, गर्मी अभी भी काफ़ी है, हवा भी चल रही है। अल खर्ज से निकलने के बाद रियाज तक रास्ते में आपको कुछ ना कुछ मिलता रहता है। अल खर्ज से रियाज तक ये जो एरिया है ये मुकम्मल वीरान नहीं है,
रास्ते में कुछ आपको पेट्रोल पंप्स भी मिलते हैं और कुछ ना कुछ आबादी भी जो है वो आपको नज़र आती रहती है। कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं जिन पे काम हो रहा है और उन पे जो काम कर रही होती है लेबर वगैरह, उनकी रहने के जो कैंप्स हैं वो भी यहाँ पर आपको जो है वो नज़र आते हैं। और ये आगे भी बाएं हाथ पे जो है सास्को का, हाँ जी सास्को का जो है पेट्रोल पंप आ रहा है। और इसके बाद कुछ आगे जो है वो चेक पोस्ट है और चेक पोस्ट के साथ ही आगे जो है फिर वो रियाज है। रियाज शुरू हुआ हुआ है। रियाज जो है वो सऊदी अरेबिया का कैपिटल है और आपको पता है कि वो काफ़ी दूर से ही जो है वो शुरू हो जाता है और काफ़ी लंबे एरिए पर जो है वो फैला हुआ है। सफ़र जारी रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम।